हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आई हुई है। यहाँ पे टीचिंग पोस्ट है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की है 15 मई, और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का स्टार्टिंग डेट है वो 22 मार्च है, जो कि कल से ही स्टार्ट हुआ है। वैकेंट सीट की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 40 वैकेंट सीट है और प्रोफेसर पोस्ट के लिए अराउंड 22 है। अप्लीकेशन फी जो है वो SC ST और PWD के लिए निल है। इसके अलावा और जो कैंडिडेट हैं अदर, उनके लिए अप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। इस वीडियो में हम लोग अप्लीकेशन फ़ी, लास्ट डेट, वैकेंट सीट एटसेट्रा, ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ से आप अप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन आया है तेजपुर यूनिवर्सिटी से आया है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को इनवाइट किया गया है जो टीचिंग पोस्ट के लिए है, और यहाँ पे वेरियस डिपार्टमेंट और सेंटर से एप्लीकेशन जो सीटें हैं वैकेंट सीट आई हुई है। लास्ट डेट जो है वो 15 मई 2024 है। आप रात 12 बजे के पहले फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी तेजपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। नीचे विज्ञापन संख्या हिंदी में दिया गया है, और ये यहाँ पे दिया गया है मेमो, यानी कि इसकी एक एक कॉपी कहाँ कहाँ पे सेंड किया गया। डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट जो दिया गया है, लास्ट डेट 15 मई 2024 है, जो कि ऑनलाइन आप फिल करेंगे। जो स्टार्टिंग डेट है CU Chain पोर्टल पर, वो है आपका 22/3/2024। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी फॉर्म होते हैं वो CU Chain के थ्रू ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। इनका एक समर्थ पोर्टल है, समर्थ पोर्टल से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट लेंगे, PDF होगा, PDF ऑनलाइन ही आपको फिल करना है, उसका प्रिंट आउट लेंगे फॉर्म फिल करने के बाद में, और उसके साथ में जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आप साइन करोगे। साइन करने के बाद में आपको भेजना है रजिस्ट्रार के पास। सारी यहाँ पे जो एड्रेस है, एड्रेस दी गई है नीचे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। जो एप्लीकेशन फ़ी है वहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी आपका 1000 रुपया यहाँ पे रखा गया है। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है SC ST और PWD। जो पेमेंट मोड होगा वो होगा आपके CU Chain पे, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उसी के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन जो समर्थ पोर्टल है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप इस वेबसाइट पे जाके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पे स्केल नीचे दिया गया है। इसके अलावा ये दिया गया है यहाँ पे, जो आप फुल साइन जो फॉर्म है वो आपको जो भेजना है ऑफलाइन बाय पोस्ट, वो ये है, इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके भेजना है, ठीक है। नीचे आपके एनवेलप पे जो लिखना है ऊपर एनवेलप पे, वो भी डिटेल्स दिया गया है। आपको एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर देना है, किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, किस डिपार्टमेंट या सेंटर में आप ये फिल कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका PDF होगा, PDF यानी कि आप जो प्रिंट आउट निकालेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, उसको भी साइन करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, और आपके डॉक्यूमेंट्स को भी आपको साइन करके ही भेजना है। अगर वैकेंट सीट की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सारे आए हुए हैं प्रोफेसर पोस्ट के लिए। प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए 22 पूरा डिटेल्स दिया गया है, पूरी जो पोस्ट है वो 22 है, बाकी इसको कैटेगराइज किया गया है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसे देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये देखिए यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी दी गई है, नॉर्मल वैकेंसी दी गई है, किस में कितने पोस्ट हैं आप अपनी जो रिजर्व कैटेगरी है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं जो डिपार्टमेंट और सेंटर है उसको एक बार रीड आउट कर देती हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन के अलावा यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज है, कॉमर्स है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। ये सारे के सारे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं, जो कि 13 यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। ये सारे के सारे पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जो कि आपके 40 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी हम लोगों ने डिटेल देख लिया है, आप एक बार के लिए अगर देखना चाहते हैं तो
मिनिमम क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है। अगर आप इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बीटेक एमटेक होना चाहिए, या फिर बीईएमए होना चाहिए, या फिर बीएसएमएस होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका इंटीग्रेटेड हो तो उसके रिलेवेंट भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। डिज़ाइनिंग के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए डिज़ाइनिंग में, या किसी भी ब्रांच में आपका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आपका यहाँ पे इसी के इक्वलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। तो आप एप्लीकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ब्रीफ जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप फुली इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं। होपफुली जितने भी एसेंशियल जानकारी थी इन्फॉर्मेशन थी वो सारे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए नॉलेजबल और वैल्यूएबल होगा।